सबको मिलेगा नौकरी, सबको मिलेगा। मैं नंगा क्यों हूं, मुझे क्या बीमारी लग गई, मैं आपसे ऐसा क्यों बात कर रहा हूं, पूरा समझिएगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसा कि आप सबको पता है, पूरे देश में, पूरे दुनिया में कोरोना का वायरस फैल चुका है, फैल चुका है। और आपको सरकार कह कह के थक चुकी है, डंडे मार मार के थक चुकी है कि आप घर में रहिए। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि आप घर में रहिए, इसके सिवा कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप लोग, जितने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या चाहते हो यार, आप लोग क्या चाहते हो यार, कौन सा काम तुम्हें ऐसा पड़ा है जो जीवन से बड़ा है, तुम्हारे ज़िंदगी से बड़ा है, तुम्हारे फैमिली वालों से बड़ा है, ऐसा कौन सा काम है? आपको समझ नहीं आती क्या? क्यों नहीं समझते हो, क्यों नहीं समझते हो कि ये ज़िंदगी बड़ी अनमोल चीज़ है, बड़ी अनमोल चीज़ है दोस्त। समझने का प्रयास करो, आपके जीवन इतनी अनमोल है, इतनी अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। लेकिन आप जैसे लोग दूसरों को भी गंदे करते जा रहे हैं, गंदे करते जा रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि सरकार हमारे भलाई के लिए, अपने भलाई के लिए नहीं, हजारों करोड़ों लाखों अरबों रुपए का नुकसान करके हमारे लिए कर्फ्यू लगाई है, घर में रहने के लिए कहा गया है, ताकि हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हम किसी से मिलेंगे, किसी से मिल के आएंगे, बीमारी लेकर आएंगे। इसीलिए कहा गया है कि आप किसी से नहीं मिलेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे, आप घर पे रहेंगे। आप जानते हैं, इटली, जापान, चाइना, रूस, पाकिस्तान, अलग अलग देशों का क्या हाल है, जान करके आप चौंक जाएंगे। चौंक नहीं जाएंगे, आप जमीन तले आपके पैर खिसक जाएंगे, पैर तले आपके जमीन खिसक जाएंगे। आपको समझ क्यों नहीं आता मेरे भाई, क्यों नहीं आता कि ये कर्फ्यू, कर्फ्यू मत समझो यार, इसको अपनी सेफ्टी समझो, अपनी सेफ्टी समझो। ग्राफ होता है एक, इस ग्राफ का लेवल जैसे ही पार हो जाएगा ना, तो मेडिकल साइंटिस्ट सब फेल हो जाएंगे, सब फेल हो जाएंगे। इसलिए अभी थोड़ा सा हुआ है, समझने का प्रयास करो। मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे अपने वैक्सीनेटर दोस्तों से कि अभी थोड़ा सा हुआ है, अपने फैमिली वालों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको, इंटरनेट चल रहा है ना आपका, सबके पास ये मैसेज, संदेश भेजो। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे कोई बीमारी वारी नहीं लगी है, मगर इस हालात में अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो अभी तक आप ये वीडियो नहीं देखते, नहीं देखते और समझने का प्रयास भी नहीं करते। मैं इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए, अपने घरों से बाहर मत जाइए। कोई भी काम हो यार, जीवन से बड़ा तो कोई काम नहीं होता है ना, सब धरा का धरा रह जाएगा, आप चले जाओगे इस दुनिया से, साथ में आप अकेले नहीं जाओगे, आप पता नहीं कितने लोगों को लेके जाओगे। इस बात को समझिए यार, इस बात को समझिए। चलिए मित्र, मेरी बात थोड़ी कड़वी लगी हो तो माफ़ करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करके शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।